हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लास। देखिए बीसी थर्ड ईयर, आप लोग जो लीनियर सम पढ़ रहे थे कल, उसी से आगे चल रहे हैं और हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल करेंगे। अब हम आपने थ्योरम ली थी लीनियर सम के ऊपर, है ना, और इसके अलावा आपने ये सीखा था कि उपसमष्टि कैसे बनती है। तो उपसमष्टि बनाने के लिए हमारे पास जो रूल होता है अल्फा यू, ठीक है, अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी होता है ना, तो उस के हिसाब से हम यहाँ पर एग्जांपल्स करें जिससे हम ये बना सकें कि कैसे कोई सदिश समष्टि उपसमष्टि बनती है। तो एग्जांपल है कि यदि हमारे पास अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री किसी क्षेत्र एफ के स्थिर अवयव हैं, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय डब्लू, समुच्चय हमारे पास डब्लू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा थ्री एक्स थ्री जो रूल दे रखा है हमको, इस प्रकार से है बराबर में जीरो। यानी अल्फा को एक्स वन से मल्टीप्लाई करूं, अल्फा टू को एक्स टू से करूं, अल्फा थ्री को एक्स थ्री से, और सबको मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो डब्लू है ना, ये सदिश समष्टि वी थ्री की एक उपसमष्टि है। वी थ्री ऑफ एफ की क्या है, उप समष्टि है, क्लियर। तो आप यहां पर देखिए वी थ्री एफ होता क्या है, और आप सोचेंगे कि वी थ्री है हमारे पास, तो वी थ्री एफ है क्या। वी थ्री एफ है इसलिए कि यहां पर वी थ्री यानी कि तीन एलिमेंट हैं, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सब तो आ रहे हैं एफ में से, और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये भी कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास एफ में से आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि वी थ्री के बाद भी क्या होगा, वी वन वी टू वी थ्री तीन एलिमेंट होंगे, उसकी उपसमष्टि है कौन, डब्ल्यू। और रूल क्या कहता है कि अल्फा वन के साथ में एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू और अल्फा थ्री एक्स थ्री की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है इसका कि डब्ल्यू वन हम मानते हैं कि माना W1 जो है वो है Y1, Y2, Y3 belongs to W। आप एक मेथड समझ लीजिए इसका कैसे हम सॉल्व करना है, ठीक है। Y1, Y2, Y3 belongs to क्या है, W है, और एक W2 है, ठीक है, ये belongs to W है, यानी कि ये small W1 है, small W1 एक एलिमेंट है, ठीक है। W2 है हमारे पास माने थे Z1, Z2 और Z3, ठीक है, ये भी क्या है, belong to W। तथा अल्फा वन वाई वन प्लस अल्फा टू वाई टू प्लस अल्फा थ्री वाई थ्री बराबर जीरो, ठीक है। एवं अल्फा वन जेड वन प्लस अल्फा टू जेड टू प्लस अल्फा थ्री जेड थ्री बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। अल्फा वन के साथ अगर हम डब्लू वन ले रहे हैं तो रूल तो ये लगना चाहिए ना, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा वन वाई वन प्लस अल्फा टू वाई टू अल्फा थ्री वाई थ्री बराबर जीरो, और सेम ये रूल लग जाएगा यहाँ पर भी, अल्फा वन जेड वन अल्फा टू जेड टू अल्फा थ्री जेड थ्री बराबर जीरो, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या लेना, दो एलिमेंट लेते हैं बी एफ में से, यदि ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या है, एफ, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ है,
तब हमारे पास ए डब्लू वन प्लस बी डब्लू टू दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देख रहे हैं, और ये वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, डब्लू में से आनी चाहिए, मतलब कि ए डब्लू वन प्लस बी डब्लू टू, तो ए इंटू वाई वन वाई टू वाई थ्री प्लस बी इंटू जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए वाई वन प्लस ए टू वाई वन प्लस बी इंटू जेड वन, ठीक है, एक हो गया। फिर ए इंटू वाई टू प्लस बी इंटू जेड टू और ए इंटू वाई थ्री प्लस बी इंटू जेड थ्री, ये तीनों जो रूल हैं आपके पास बने हैं, ठीक है। मतलब जो रूल आपका मेनली डब्ल्यू के लिए काम कर रहा है वो उसके सभी एलिमेंट्स के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, एफ में से आ रहे हैं, ठीक है। ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, एफ में से आ रहे हैं। ए डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू की जो टर्म है, यहाँ पर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू का मान रख देंगे, ठीक है। और फिर ये जो मल्टीप्लाई होकर टर्म बनेगी इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये जो टर्म है कहाँ से आना चाहिए, डब्ल्यू में से आना चाहिए, ठीक है। कैसे डब्ल्यू में से आएगा ये देखते हैं, परिभाषा ऐसे हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम अल्फा वन से मल्टीप्लाई करें ए वाई वन प्लस बी जेड वन, ठीक है, ऐसे अल्फा टू से मल्टीप्लाई करें ए वाई टू प्लस बी जेड टू प्लस अल्फा थ्री ए वाई थ्री प्लस जेड बी जेड थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अल्फा वन वाई वन कर सकते हैं ऐसा प्लस अल्फा टू वाई टू प्लस अल्फा थ्री एंड वाई थ्री, ठीक है। और सेम ऐसे यहाँ पे क्या देगा, बी अल्फा वन जेड वन, ठीक है, प्लस अल्फा टू जेड टू प्लस अल्फा थ्री जेड थ्री, राइट। अल्फा थ्री इंटू वाई वन वाई टू वाई थ्री अलग कर लिए, जेड वन जेड टू जेड थ्री अलग कर लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह टर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ये वाला टर्म है ये किसके बराबर होनी चाहिए भाई, जीरो के बराबर। और ऐसे अल्फा वन जेड वन अल्फा टू जेड टू अल्फा थ्री जेड थ्री क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो, ठीक है, यानी कि जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, बराबर में जीरो आ जाएगा। तो अब हमें डब्ल्यू की परिभाषा से हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये जो टर्म है ना, कौन सी टर्म जो हमने बनाई थी, अल्फा ये वाली ए वाई वन बी जेड वन और जेड ए जेड टू प्लस बी जेड टू और ए वाई थ्री प्लस बी जेड थ्री, कहाँ से होना चाहिए, डब्ल्यू में से। डब्ल्यू की परिभाषा से ये है, क्योंकि ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, एफ में से आ रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कहाँ से आ रहे हैं, डब्ल्यू में से आ रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई भी कहाँ से आना चाहिए, डब्ल्यू में से। ये तो समुच्चय की परिभाषा होती है। देखिए समुच्चय W की परिभाषा से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू बराबर ए वाई वन प्लस बी जेड वन ए वाई टू प्लस बी जेड टू और ए वाई थ्री प्लस बी जेड थ्री बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है भाई। ए वाई डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू हम कर रहे हैं, तो ये जो टर्म है हमारे पास ये ए वाई वन प्लस बी जेड वन ए वाई टू प्लस बी जेड टू और ए वाई थ्री प्लस बी जेड थ्री जो है
उपमा से आएगा, डब्ल्यू में से आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू क्या होगी, एक सदिश समष्टि हो जाएगी किसकी, वी थ्री का एक उप समष्टि बन जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो डब्ल्यू है वो सदिश समष्टि वी थ्री एफ का एक उप समष्टि बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली काम हुआ। मतलब आपको दोबारा समझाता हूँ कि ए डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू आप निकालो, ठीक है, और वो जो टर्म है ना आपकी वो क्या आनी चाहिए, डॉस डब्ल्यू आना चाहिए। आपको डब्ल्यू को उस समस्या प्रूफ करना है, तो ए और बी तो लो आप एफ में से, और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू लो आप डब्ल्यू में से। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दो, और जिसका ऐड आएगा ना वो डब्ल्यू में से आना चाहिए। ठीक है, अब डब्ल्यू की परिभाषा जो है समुच्चय की, उसमें ये होगा कि एक एलिमेंट यहाँ से हो, दूसरा एलिमेंट डब्ल्यू में से हो, तो मल्टीप्लाई करने पर डब्ल्यू में से आएगा। तो अगर इस प्रकार से होता है तो वो क्या कहलाता है, सदिश समष्टि डब्ल्यू थ्री का एक उप समष्टि कहलाएगी। ठीक है, डब्ल्यू है ना उसे समष्टि वी थ्री एफ का क्या कहलाएगी, उप समष्टि कहलाएगी। राइट, तो एग्जाम्पल है जो हमारे पास, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, और वो है हमारे पास नंबर 5, और वो है इस तरह से है कि वी थ्री ऑफ आर है, ठीक है, इक्वल टू एक्स वाई जेड, ट्रिपल एट होता है तीन का। मैं आपको उस वेक्टर के बारे में, आप जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि तीन पेयर के रूप में होता है एक्स वाई जेड दिशाओं में, जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय फील्ड है, तो सिद्ध करना है कि जो डब्ल्यू है ना, टू शो दैट, सेम वही बात है, टू शो दैट डब्ल्यू है हमारे पास वो कैसा है, देखो एक्स टू वाई और थ्री जेड। ठीक है, एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, डब्ल्यू आर क्या है, एक उप समष्टि है, डब्ल्यू आर क्या है, एक उप समष्टि है। ठीक है, आ देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है हमारा, तो उसे प्रूफ करते हैं यहाँ पे कि जो वाई है, वाई जो है ना वो आ रहा है आर में से, और जेड भी आ रहा है आर में से, अगर तो टू वाई भी कहाँ से आएगा, आर में से आएगा, और थ्री एड भी कहाँ से आएगा, आर में से, वैसे यहाँ पर टू वाई और थ्री एड दे रखा है, वैसे मैम सची लिख रहे हैं, तो एक्स वाई जेड अगर बिलोंग्स टू वी थ्री है, तो एक्स इंटू टू वाई और थ्री जेड बिलोंग्स टू कहाँ से होगा, वी थ्री में से होगा, होगा ना। मतलब क्या हुआ कि जो डब्ल्यू है ना वो सबसेट किसका हो जाएगा, वी थ्री का। अरे बताओ, ये प्रूफ करेंगे कि डब्ल्यू जो है वो सबसेट होना चाहिए वी थ्री का, तभी तो उसकी उप समष्टि बनेगी। ठीक है, सो मतलब क्या होगा कि डब्ल्यू वन क्या हो गया हमारे पास, एक्स टू एक्स वन टू वाई वन और थ्री जेड वन, ऐसे हम डब्ल्यू टू बराबर एक्स टू टू वाई टू और थ्री जेड टू। ठीक है, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू ये सब जो हैं, ये सब क्या हैं, बिलोंग्स टू आर है, तो हमें वही प्रूफ करना है कि डब्ल्यू वन इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू टू बराबर बिलोंग्स टू क्या आ जाए, डब्ल्यू आ जाए। ठीक है, तो अल्फा वन अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू, और आप प्रूफ कर सकते हैं कि अल्फा इंटू एक्स वन टू वाई वन और थ्री जेड वन प्लस बीटा इंटू एक्स टू टू वाई टू और थ्री जेड टू, ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बिलोंग टू हो जाए अगर
जेड गए तो समष्टि बन जाएगी, बस वो कुछ काम नहीं करना होता उस समष्टि प्रूव करने के लिए हमको। तो अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, टू अल्फा वाई वन प्लस टू बीटा वाई टू, और थ्री अल्फा जेड वन प्लस थ्री बीटा जेड टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू और टू अल्फा वाई वन, तो को ले लेते हैं बीटा वाई टू, और यहाँ थ्री को लेता हूँ तो अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, लॉन्ग टू आर है, इसका मतलब अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, ठीक है, अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू और अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू, ये सब कहाँ से आएंगे, आर में से आएंगे। सो मतलब क्या हो गया, डब्लू वन एंड डब्लू टू बिलोंग्स टू है डब्लू, तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्या है, आर, देन अल्फा डब्लू वन प्लस बीटा डब्लू टू बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल डब्लू। ठीक है, डब्लू वन डब्लू टू बिलोंग्स टू डब्लू है, और हमारे पास अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्या है, आर है, अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्लू टू कहाँ से आएगा, डब्ल्यू से आएगा, ये बात फिक्स है। ठीक है, आर एक क्या है, वास्तविक संख्या समुच्चय फील्ड है, डब्ल्यू से क्या है, वेक्टर है। ठीक है, डब्ल्यू से होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू ऑफ आर वी थ्री आर की उप समष्टि होगी, क्या होगी, उप समष्टि होगी। तो आपको दोनों जो आपने रूल यहाँ पे फॉलो करा है उसमें हमने एक ही बात सीखी कि अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू अगर ये चीज हम प्रूव करा दें बिलोंग्स टू आर के, तो इजीली हमारे पास क्या हो जाता है, ये समष्टि बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गए, तो मेनली काम हमको यही करना है। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, विश और वेरी हैप्पी दिवाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।